और डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। मैंने एक CBSE के रिजल्ट और इसकी मॉडरेशन पॉलिसी पे एक वीडियो बनाई थी, उसी के फर्दरेंस में मेरी ये नेक्स्ट वीडियो है। लेकिन ये वीडियो बहुत छोटी है। इसका मेरा मेन पर्पज़ ये है कि एक हमारी जो टीम है और हमारे जो टीम के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने एक पिटीशन ड्राफ्ट की है। आई थिंक वो पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में विद इन 1 or 2 days फाइल हो जाएगी। तो उसका उसमें से हमने जो स्पेसिफिक जो डिटेल्स हैं वो हमने डिलीट करके और वहाँ पे जस्ट एक्स वाई फॉर रेफरेंस के लिए वो डाल के वो पिटीशन 40 pages की हम शेयर कर रहे हैं पब्लिक डोमेन में। वो डिस्क्रिप्शन में नीचे आप देखिए, आप उस PDF को MS Word में बदल के आपको एडवोकेट आपके स्पेसिफिक डाटा उसमें इनकॉर्पोरेट करके, तो 90% वो पिटीशन आपकी बहुत हैंडी हो जाएगी और आपका बहुत टाइम बच जाएगा। जो टाइम आपके एडवोकेट का विद इन 1 week जो लग सकता था इससे पूरी पिटीशन तैयार करने में, वो सारा का सारा आपको हैंडी मिल गया है। आप बस मैं इसमें यही बताना चाहूँगा कि आप अपने जो रेस्पोंडेंट नंबर 3 में आपका स्कूल का नाम लिख दीजिए और रेस्पोंडेंट नंबर 4 में जो स्कूल रिजल्ट कमेटी है और नीचे स्कूल का एड्रेस लिख दीजिए। अगर आप मॉडरेशन पॉलिसी से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, वैसे तो पूरी अफेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मॉडरेशन पॉलिसी पर ज़्यादा टारगेटेड हैं तो आपको आई थिंक सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अगर आप स्कूल स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा एग्रीव्ड हैं, जैसे हमारे जो ग्रुप के लोग हैं वो ज़्यादा एग्रीव्ड हुए हैं उससे, तो वो इसलिए हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो जो स्कूल स्पेसिफिक हैं तो उनको हाई कोर्ट जाना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, केरला से हैं तो केरला हाई कोर्ट, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं स्पेसिफिक। और अभी तक जो इन्होंने रजिस्ट्रल कमेटी का जो मैकेनिज्म जो बनाया था वो जस्ट एक IVOS था, फॉर्स एक्टिविटी थी, तो उसका कोई रिजल्ट अभी तक आया नहीं। और वो आए भी का तो कल को CBSE बोल देगी कि ऑलरेडी एग्जाम्स हैव बीन कमेंस्ड और अभी जो इनका जो पिटीशन है इनफ्रैक्चर हो गई है, तो दे विल ट्राई टू डिफेंड देयर क्लेम इन सच ए वे, बट उसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा लीगलिटी नहीं है, क्योंकि ये इट इज़ अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द CBSE कि वो अभी तक वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने। और बच्चे जो हैं अभी उनको मजबूरी में कल से एग्ज़ाम लिखना शुरू हो जाएगा। तो ये आप मेरा जो एक छोटा सा एफर्ट है, तो अगर इस पिटीशन में आपको लगता है कि कुछ और अमेंडमेंट की ज़रूरत है जो मैंने शेयर की है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए ताकि हम इसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। और हमारी टीम शायद इसको कल ही फाइल कर रही है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक आप इसको कमेंट बॉक्सेस में, अगर कंक्रीट हैं तो प्लीज़ डोंट रिपीट, अगर उसमें कंक्रीट स्पेसिफिक आपके कोई भी ऐसा आप एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इन सेम वे अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप इसको यूज़ कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।